विद्यार्थियों के मन में ये हमेशा शंका रहती है कि कौन से बुक्स को पढ़ा जाए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, किस प्रकार से रिवीजन किया जाए, कितने दिनों के बाद रिवीजन किया जाए, और कौन से क्वेश्चन बैंक को बनाए जाए, कौन से करेंट अफेयर्स की बुक पढ़ी जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज हम लोग जो टॉपिक को लेकर आए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक होगा, आज का जो पूरा हमारा सेशन होगा, ये टोटली पूरी तरीके से बीपीएससी 66 प्रीलिम्स पे आधारित होगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को और इसको फॉलो करते रहेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि, और भरोसा भी दिलाता हूँ कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। बस आपको करना ये है कि आपको इन चीज़ों को काफ़ी रेगुलरसली फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, और इसके ऊपर जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी सोर्सेज बता रहा हूँ, इनके ऊपर आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसके तीन आपको क्या होते हैं, क्रम होते हैं, ठीक है, तीन लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है आपका प्रीलिम्स का। मैं आपको बताऊँ कि इस एग्ज़ाम में सबसे जो महत्वपूर्ण लेवल है वो आपको यही है प्रीलिम्स का, ठीक है, क्योंकि ऐसा अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि टॉपर मटेरियल जिनको कहा जाता है, वो अभ्यर्थी भी प्रीलिम्स में क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और दिन प्रतिदिन हम ये भी देखते जा रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी काफ़ी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, है ना। और क्योंकि एक ऑप्शन जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, ये ऑप्शन भी आपके प्रिपरेशन को, तो आपका ये जो प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है इसको थोड़ा सा क्या करता है, वाइड करता है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो सोर्सेज लेने हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही पढ़ना है, विदाउट अनऑथेंटिक सोर्सेज से अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा भी गलत हो गया, थोड़ा भी कोई टॉपिक अगर मिस कर गया, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 66 प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है। तो बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और उसको सिलेबस को और थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्रॉड कैटेगराइज करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नैरो कैटेगराइजेशन, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके बाद है आपका ज्योग्राफी, है ना, उसके बाद है आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद जो है आपका वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस देख रहे हैं आप लोग, जनरल साइंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है बिहार का, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका, वो है आपको करेंट अफेयर्स का, एंड करेंट अफेयर्स के बाद जो है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का। तो इसमें से सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन की कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए कि सबसे जो ये फिक्स है वो है मैथ्स का आपको, कि 10 क्वेश्चन ही इससे आते हैं। इनके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं 30-35 क्वेश्चन, वो आपको हिस्ट्री से आते हैं, और उस हिस्ट्री में भी किससे, तो मॉडर्न हिस्ट्री से। तो चूंकि आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री के तीन पार्ट हैं, सबसे पहला क्या है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद क्या है, मध्यकालीन इतिहास, है ना, मेडिवल हिस्ट्री, एंड उसके बाद क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें भी आधुनिक भारत के इतिहास में भी कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं
उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे लेकर स्टार्ट करें, इससे लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि क्या है कि इसके जो टर्म्स हैं वो आपके फैमिलियर हैं। आप लोग सभी लोगों ने, जिन्होंने प्रिपरेशन किया हो या नहीं किया हो, सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में सुने होंगे, भगत सिंह के बारे में सुने होंगे, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में इंटरेस्ट जो होती है, जो रुचि होती है, वो जगने लगती है। तो इसके लिए आपको जो बुक लेना है वो लेना है आपको स्पेक्ट्रम की, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक लेना है। और स्पेक्ट्रम की बुक को लेकर पूरे पूरा जो बुक है, जो कि टॉपिक्स तक जहाँ तक है, उस पूरे बुक को पढ़ जाएं। और इसके बाद क्या करना है, मध्यकालीन इतिहास के लिए आपको क्या करना है, तो सतीश चंद्र की बुक लेनी है, सतीश चंद्र की बुक। एंड उसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको रामशरण शर्मा की बुक लेनी है। इतना आपने ले लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों बुक्स आपने लेने के बाद अब क्या करना है, तो अब आपको ये करना है कि ये बुक्स तीनों लेने के बाद अब क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बनाना ना भूले। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप सारे पीसीएस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस को डेफिनेटली बनाएं। तो इसके लिए सारे का कंपाइलेशन एक जगह आता है, जिसको कहा जाता है घटना चक्र। देखिए, ज्यादा बुक्स के फॉर्म, बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन ये घटना चक्र ले लीजिए। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, यहाँ पर काफी स्पेसिफिक चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है, तो जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को घटना चक्र से बनाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए क्या होगा, काफी लाभदायक होगा। और आपको जो भी टॉप, इससे ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस फॉर्म से आते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा को, उसका ये बनाया आपने घटना चक्र बनाया, तो आपको ये तो एटलीस्ट पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस जगह से आते हैं। जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपका खुद ब खुद जो है ना इम्फेसिस उस पॉइंट पे चला जाएगा, उस टॉपिक के पे चला जाएगा जहां से क्वेश्चंस पिछले बार पूछा गया था। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इन सभी को पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ आपको घटना चक्र को साथ में रखना है। और इतना भी मैं बता दूं कि कई सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के भी डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कटअप भी काफी ज्यादा जाता है। तो आपको बुक्स पढ़ना है, बुक्स के साथ साथ इसको कंप्लीमेंट करना है अपने प्रिपरेशन को घटना चक्र के साथ। ये जरूर कीजिएगा आप अभी के समय में। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, तो एनसीईआरटी 11th की बुक जो है, ये दोनों 11th की बुक एंड 12th की भी जो बुक है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन 12th में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, जैसे कि परिवहन को पढ़ना है, जैसे कि आपको खनिज को पढ़ना है, ठीक है। और जो मानव भूगोल का जो बुक है, इसमें दो बुक्स है, एक तो मानव भूगोल और एक भारतीय आर्थिक भूगोल। तो जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल में बस आप सिंपली ये देख ले जनसंख्या का पिरामिड क्या है, कैसा आता है, क्योंकि कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। इनके अलावा आपको सेंसस जरूर देखना चाहिए, जो जनगणना होती है, ये जनगणना जो है इसको जरूर देखना चाहिए, आपको सेंसस को जरूर देखना चाहिए। यहाँ से बीपीएससी में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा, इन सब के अलावा आपको कोई ज़्यादा बुक नहीं लेना है, एक एटलस आपके पास जरूर होना चाहिए। एटलस अगर नहीं होगा तो आप अच्छे से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। एटलस के लिए आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, हमारी कोचिंग का जो नोट्स होता है वो ले सकते हैं, या फिर क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बताया हुआ है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है जब छात्र एटलस ले लेते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के साथ कंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि हमारे नोट्स के साथ उसको देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, पॉलिटी के लिए आप देखिएगा तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो ज़्यादातर अभ्यर्थियों की पहली पसंद होती है, तो काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर करती है। आपके पास अगर नया एडिशन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुराने एडिशन से भी आपका काम चल जाएगा, और उसमें थोड़ा बहुत जो अपडेशन होगा उसको अपडेट कर लेना है। लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेहतर बुक है अभी के अकॉर्डिंग, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ऐसे सबसे बेहतर तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सबसे बेहतर बुक है, जो कि आपको प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से। और इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो क्या करना है, इसके साथ साथ आपको फिर से इसका घटना चक्र जो है वो आपको करते जाना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो है आपका इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इकोनॉमिक्स में क्या है कि बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, यद्यपि कि एक बार उन्होंने
जो 60-62 का जो पेपर था उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था थोड़ा डीप में जाकर, थोड़ा सा 60-62 या 56-69 का जो पेपर था उसमें उन्होंने इकोनॉमिक से रिलेटेड, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एंड आगे भी आने वाले पेपर्स में भी संभावना है कि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछें। तो ठीक है, तो आप इसके लिए जो इनके बेसिक टर्म्स हैं इन बेसिक टर्म्स को देखें, इसके लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं या फिर रमेश सिंह की जो बुक आती है इसको, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना है, रमेश सिंह की बुक को सिलेक्टिव पढ़िएगा पूरे तरीके से। अगर इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो ये आपके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, है ना। तो रमेश सिंह की बुक है, आप इसको सिलेक्टिव पढ़िए एंड जो टॉपिक्स हैं, और उसको कंप्लीमेंट कीजिए करेंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे, तो हमने एक नोट्स निकाला हुआ, एक करंट अफेयर्स का मैगजीन निकाला हुआ है जो कि टोटली बेस्ड होता है बीपीएससी पर। जिस तरीके के बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पर यह पूर्णता आधारित होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, परफेक्शन करंट अफेयर्स जो है, वे परफेक्शन करंट अफेयर्स को आप ले सकते हैं। परफेक्शन, ध्यान दीजिएगा, परफेक्शन करेंट अफेयर्स ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे आप, क्योंकि देखिए क्या हुआ था लास्ट ईयर 65 वाले बीपीएससी में देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी गहराई से पूछे गए थे, काफी डीपली पूछे गए थे। जब ये काफी गहराई से जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आप वन लाइनर प्रिपरेशन करके जाते हैं तो उससे आपका काम नहीं बनता है। और ये काफी डायनेमिक इवेंट की, इन्होंने तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, अंतर्राष्ट्रीय में भी उन्होंने काफी अंदर जाकर पूछा था। तो आपको करंट अफेयर्स को चाहिए कि आप मंथ बाई मंथ इसको प्रिपरेशन करते रहें। साथ के साथ क्या होगा, जब आप मंथ बाई मंथ इसको प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्शन करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, इस इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से किसको कंप्लीमेंट कीजिए, तो इकोनॉमिक्स को कंप्लीमेंट कीजिए, आपका काम होगा। जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए बेसिक्स बनाने के लिए आप एनसीईआरटी 9th 10th की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी 9th 10th की बुक, इसको भी सिलेक्टिव पढ़ना है, 9th एंड 10th की बुक। लेकिन इसके बाद इससे आपको इसकी समझ आपकी विकसित होगी, क्वेश्चन सारे बनने नहीं लगेंगे लेकिन समझ भी विकसित करना जरूरी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, घटना चक्र की बुक लेंगे, उससे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा घटना चक्र इस टॉपिक के लिए तो सबसे रामबाण है। क्योंकि क्या होता है कि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र की पुस्तक लें, और एक बार समझ विकसित करने के बाद आप घटना चक्र की पुस्तक से उसको क्या करते जाएं, बार बार उसको बनाते जाएं, बार बार उसको रिवाइज करते जाएं। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप लूसेंट की भी बुक ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। बायो सेक्शन में ज्यादातर, फिजिक्स केमिस्ट्री आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन बायो सेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहार के लिए देखिए, बिहार के लिए जो है ना, बिहार को मैं दो भागों में बांटता हूं, एक इतिहास हो गया, एक अन्य टॉपिक हो गया। तो इतिहास के लिए ना मैं आपको ये जो इतिहास हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, एक अन्य टॉपिक्स हो गए, ठीक है, भूगोल हो गया या ऐसा करके, ठीक है। तो इतिहास के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इम्तियाज अहमद की जो बुक है ये आप ले लीजिए, है ना। एंड जो अन्य टॉपिक्स हैं इसके लिए आप केबीसी ननो की बुक ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये दोनों बुक से क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बिहार का ये हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो होता है बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। तो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के लिए फिर से परफेक्शन का बिहार करेंट अफेयर्स आता है, ठीक है, परफेक्शन बिहार करेंट अफेयर्स, है ना। तो ये आप जरूर पढ़ें, और साथ के साथ बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ये आप जरूर पढ़ें, ये भी हमने निकाला हुआ है और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे जो भी नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके आप उसको भी अपने पास मंगा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलें, इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे स्कीम्स वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, सारे स्कीम्स वहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से आप बिहार का प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप अपने प्रिपरेशन की जांच भी कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट है परफेक्शन करेंट अफेयर्स, यहाँ पर पहले तो आप पेपर पढ़ते रहें और परफेक्शन करेंट अफेयर्स को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने जैसा कि बताया और ये हमारे जो भी डिफरेंट मीडियम्स हैं, चैनल्स हैं, वहाँ पर बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम पे सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। तो आप परफेक्शन आईएएस का करेंट अफेयर्स पढ़ना ना भूलें। ये बिल्कुल जैसे और भी बुक्स होते हैं सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो बुक बनाया गया है ये बिल्कुल टारगेटेड बनाया गया है, बीपीएससी को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप इसको लेना ना भूलें, काफ़ी लाभदायक होगा। और मैं आपको उम्मीद बताता हूँ कि ये इससे ना आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे बीपीएससी के उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स के लिए फिर वही अगेन आपको 9th 10th के बुक्स आप पढ़ सकते हैं आपको बेसिक्स के लिए, और जो कंपटीशंस के बुक्स होते हैं जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह ये बनाना जरूर नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपकी मैथ थोड़ी भी अच्छी है तो आप 10 में से 10 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं, जो कि आपको अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एज देगा, आपको एक बेनिफिट देगा। तो इस प्रकार से आप, और उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस बनाए, फिर पढ़ें। और देखिए बनाने पढ़ने का जो तरीका है ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ना इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो 15 डेज का स्लॉट लीजिए। 15 डेज का स्लॉट में क्या करना है कि दो सब्जेक्ट आप ले लीजिए, लाइक कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक थोड़ा सा जिसके अंदर टॉपिक्स कम है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे 15 डेज का जो हमने स्लॉट लिया कि उसमें हमने इतिहास लिया, ठीक है, इतिहास लिया, और दूसरा जो स्लॉट लिया वो लिया आपको साइंस का या विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान में आप मान लीजिए कि जीव विज्ञान का आपने लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसमें क्या करना है, जैसे कि एटलीस्ट एक अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है तो कि वो कम से कम 8 घंटे तो घर पे पढ़ते ही होंगे सेल्फ स्टडी में, तो कम से कम आपको आपने जो है 8 आवर्स का मैं मान रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ इसको मेंटेन कीजिए, और पढ़ते हैं तो और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब क्या करना है कि 15 डेज में आपको हिस्ट्री को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 आवर्स आपने हिस्ट्री पे दिया है 8 आवर्स में से, एंड 3 आवर्स आपने बायो पे दिया है। तो अब क्या करना है कि 15 डेज में कोशिश करना है कि इसको कंप्लीट करें और इसको कंप्लीट करें। हिस्ट्री का मान लीजिए, लेटर सपोज कि सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने टारगेट्स को इतना ज़्यादा कर लीजिए कि वो आपसे अचीव ही नहीं हो, टारगेट्स छोटे छोटे रखिए। अब क्या करना है कि जैसे ही एक बार ये हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। इसके जस्ट बाद कुछ कम टाइम में, जैसे कि 15 डेज में आपने ये चीज़ किया था ना, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करिएगा कि 8 डेज में, 9 डेज में या 10 डेज में आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिस्ट्री को और जीव विज्ञान को जितना आपने पढ़ा था इसको आप कंप्लीट कर लें 8 डेज 9 डेज में। मतलब इससे क्या होगा ना कि जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो आपके जो ये आपका रिवीजन का जो टाइम होगा, इससे क्या होता है कि आपने 2 बार ही पढ़ा है लेकिन चूंकि आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा था और उसके जस्ट बाद आपने दूसरे इसको पढ़ा, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिपीटेशन के कारण, कंटिन्यूसली जब आप रिपीटेशन करते हैं, आप रिवाइज करते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। अब यही आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, और तब आप हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें लगेंगी कि आप क्या हो गए हैं, भूल चुके हैं पूरे तरीके से। तो सब्जेक्ट एक बार लीजिए और उसको 2 टाइम्स कम से कम 2 टाइम्स पढ़िए। 2 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो एक बार में 15 डेज और 8 डेज मतलब 23 डेज में। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी नेक्स्ट टाइम में आप पढ़ेंगे तो वो आप कम टाइम लगाएं, इससे आपकी यह पता चलती है कि आपने जो पहली बार पढ़ा है उसमें आप कितना रिटेंशन रखते हैं, कितना चीज आप ध्यान में रखते हैं, ये पता चलता है। तो पहली बार अगर आपने 15 डेज रखा है तो इसमें कुछ कम टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 10 डेज 12 डेज। अब ऐसा नहीं कि इस बार भी 15 डेज लग रहा है, मतलब कि पहले बार में आपने कुछ ना कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है। और तो इसको जब आप एक सब्जेक्ट को 2 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, चीज़ें आपको आपके पास याद हो जाती हैं। फिर ना आप नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कीजिए, 2 टाइम्स का नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कीजिए,
जैसे कि फिर आप 15 डेज का फिर से स्लॉट बनाइए और फिर कोई दो सब्जेक्ट को शुरू कीजिए, लाइक कि ज्योग्राफी को आपने शुरू किया एंड ज्योग्राफी को शुरू किया और दूसरा जो है वो आपने मान लीजिए कि बिहार को शुरू किया, इन दोनों को एक साथ शुरू करते हैं। अब ज्योग्राफी और बिहार को जब आपने शुरू किया है तो क्या करना है कि इस 15 डेज में इसको कंप्लीट करना है, 15 डेज में इसको भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद फिर इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो 2 महीने में क्या होगा कि 15 डेज में एंड नेक्स्ट 10 डेज में आपको इसको रिवाइज कर लेना है। अब क्या हुआ कि आपके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हो गए कि एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अब 10 डेज में आपने फिर से ज्योग्राफी किया एंड फिर से बिहार किया, अब क्या हुआ आपके पास 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, हिस्ट्री आपको यहाँ पर, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड बिहार। अब जब नेक्स्ट टाइम लीजिए तो 15 डेज का स्लॉट लीजिए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके लिए बहुत मत परेशान होइए, नेक्स्ट 10-15 डेज का स्लॉट लीजिए और उसमें इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। थर्ड टाइम जब आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उम्मीद मानिए कि आपके जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से हो जाएंगे कि पूरे तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो अब क्या करना है कि नेक्स्ट 15 डेज का स्लॉट लेकर आपको कौन सा, ये चारों सब्जेक्ट कौन कौन सा, ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार, उसके बाद कौन सा हिस्ट्री है ना, एंड उसके बाद कौन सा बायोलॉजी, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स को आप एक बार जब कंप्लीट आपने थर्ड टाइम किया तो उम्मीद मानिए, मेरा विश्वास कीजिए कि चीजें जो होंगी ना इतने अच्छे तरीके से ध्यान में आ जाएंगी जैसा कि पहले कभी नहीं आया होगा। अब क्या होगा कि ये आपका 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को लीजिए स्लॉट में, एक कोई मेन सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी लीजिए और दूसरा कोई मैथ्स ले लीजिए ऐसे करके, एंड इसके बाद फिर जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए तो अभी 3रा महीना चल रहा है और इस 3रे महीने में आपने इन सभी को 3-3 बार रिवाइज कर लिया है। हाँ, एक बात और कि ये 8 आवर्स के अलावा 1 आवर आप हमेशा रखिए डेली के लिए, एंड ये जो 1 आवर रखिए ये किस चीज के लिए रखिए, करेंट अफेयर्स के लिए रखिए, इसको पढ़ाई में मत मानिए, इसको इस तरीके से रखिए कि ये आपका काम है, करना ही है। इस 1 आवर में आप पेपर पढ़िए, ठीक है, कोई भी आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या द हिंदू पढ़ते हैं तो द बेस्ट है, आप इसको पढ़िए। एंड इसके अलावा हमारा डेली का करंट अफेयर्स भी हम अपने प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी, आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। तो डेली का करंट अफेयर्स हो गया पहली बात, और दूसरी बात क्या हो गई कि आपने डेली का और ये नोट्स पढ़ लिया। तो इसको सब्जेक्ट में नहीं रखिए कि हाँ ये भी अपना पढ़ाइए, ये है कि आपका काम है जो कि आपको करना होता है, जैसे हमारा डेली बेसिस का जो काम होता है उसी तरीके से ये भी हमारा काम है, हमें करना है, और तब देखिए कैसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी बेहतर होती है और आपके सिलेक्शन जो है वो कैसे, 100% मैं गारंटी दिलाता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो इसी आशा के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, है ना, और होप करता हूँ कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स हमारी तरफ से, पूरे परफेक्शन आईएएस टीम की तरफ से, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो नंबर है आपने देखा हुआ है, नंबर नीचे भी दिया हुआ रहता है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ये नंबर है हमारे 9155087930, क्योंकि ये अभी पेंडेमिक का टाइम है। एक और नंबर है अगर ये नहीं लगे तो 8340325079, ये दोनों नंबर्स पे आप काउंसलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं कि सर मैं कैसे पढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा है, इन दोनों नंबर पर क्योंकि मैं ही अवेलेबल रहूंगा इस नंबर पे, तो आप पूछ सकते हैं और किसी भी तरीके का अपना डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ये अभी काफ़ी एक काफ़ी बिकट समय चल रहा है, तो इस बिकट समय में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप अच्छे से पढ़ते रहें और सफलता की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।